ये डॉक्टर आशुतोष शाह एलिगेंस क्लिनिक, ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आपने किसे सजेस्ट किया? मेरी वाइफ है ना, उसका जो लाइपोसेक्शन करवाना था, तो उसने पहले गूगल में रिव्यू सब देखा था, और ये हेयर प्लान का भी डॉक्टर आशुतोष शाह को हेयर प्लान का भी करते थे, तो इसलिए मैंने सोचा मैं उसका भी कंसल्ट करूँ मेरी वाइफ के साथ, सो तो हम दोनों ने यहाँ पे डिसाइड किया। ओके, यहाँ के अपॉइंटमेंट सिस्टम कैसी लगी? अपॉइंटमेंट सिस्टम अच्छी थी, जब भी अपॉइंटमेंट चाहिए थी तब मिल गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओके, कॉलिंग सिस्टम कैसी लगी? कॉलिंग सिस्टम भी अच्छी थी, जब भी कॉल किया था कोई क्वेश्चन होगी पूरी होगी तो रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा था, और डॉक्टर अशोक शर्मा ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ओके, जब भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अपनी कुछ क्वेरी थी वो सॉल्व हो चुकी थी? जो भी क्वेरी थी, मैं पहले थोड़ा नर्वस था क्योंकि मैं करवाना नहीं चाहता था, मुझे पता नहीं था कितना पेन होगा और वो सब, तो जब डॉक्टर अशोधन से मुलाकात हुई तो उसने अश्योर किया कि इसमें कुछ पेन नहीं होगा और सब अच्छा था। ओके, ओडी का जो जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया था वो आपने फॉलो किया था? हाँ, ओडी का सब जो भी इंस्ट्रक्शन था सब कुछ फॉलो किया था। एटमोसफियर कैसा था? एटमोसफियर बहुत अच्छा था, सब डॉक्टर और उसके स्टाफ जो होते हैं लेकिन उसके क्लिनिक के स्टाफ होते हैं बहुत अच्छी तरह से टेक केयर की थी, जब भी कोई क्वेश्चन था तो वो लोग उसका आंसर देते थे, क्लियर आंसर देते थे। बीच में जब सर्जरी चल रही थी तब पूछ रहे थे कोई पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो थोड़ी देर बाद में करते हैं, तो वो सब ओटी की प्रोसीजर सब अच्छी थी, और दोबारा बार बार पूछ रहे थे तो अच्छा लगा कि ओके तो पेशेंट की टेक केयर कर रहे हैं। ओके, आपको ऑपरेशन थिएटर के बाद कुछ पेन वगैरह रहा, अब तक का कुछ आप कैसे बता सकते हो? अब तक का एक्सपीरियंस अच्छा था, कोई पेन नहीं है, बस माइनर वो जो शूटिंग का एक और दो बार पेन होता है, लेकिन वो सब नॉर्मल है, ज्यादातर कोई पेन हुआ नहीं है। ओके, डॉक्टर आशुतोष का नेचर, क्लिनिक का स्टाफ का नेचर कैसा था? डॉक्टर अशोक का नेचर बहुत अच्छा था, सब क्लिनिक और सब स्टाफ मेंबर का नेचर अच्छा था, जब भी आते थे तो सब लोग पूछते थे कैसे है और बात करते थे, अपनी बातों में इंटरेस्ट ले रहे थे, तो अपना पर्सनल फील कर रहे थे, तो अच्छा लगा सब। ओके, डॉक्टर आशुतोष शाह यहाँ पे जैसे कि हेड ट्रांसप्लांट, लाइपोसक्शन, एब्डोमिनोप्लास्टी, गायनेकोमास्टी और बहुत सारी जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी है, ठीक है, वो सब कर रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में यहाँ पे कलीग को किसी और को आप यहाँ पे सजेस्ट करना चाहोगे? हाँ, मैं ऑलरेडी डॉक्टर अशोधन से ऑलरेडी बात कर ली, मेरे छोटे भाई की, उसका भी हेयर नहीं है, तो वो भी 6-7 महीने बाद यहाँ पे आने वाला है, तो वो भी ये हेयर प्लान का सोच रहे हैं डॉक्टर अशोधन के पास। ओके, आपका सर्जरी पहले और सर्जरी के बाद क्या आप एक्सपीरियंस बता सकते हो बिफोर आफ्टर? सर्जरी से पहले बहुत नर्वस था मैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर पेन नहीं सहन कर सकता, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो पहले मैं नर्वस था कि मैं सर्जरी करवाना चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब डॉक्टर आश्रम से बात हुई तो उसने जो आश्वासन दिया था और जो कंफर्ट फील किया था वो जो बात की थी तो वो अच्छी लगी, बाद में मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं सब कुछ ठीक होएगा, और बाद में सर्जरी का डिसाइड किया था। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।